सेक्शन बी, यूनिट वन के सेक्शन बी में चल रहे थे, तो उसमें जो हम लोग का टॉपिक था द इवेल्युएशन ऑफ सिविलाइजेशन, इसमें हम लोगों ने इजिप्ट पढ़ लिया है, मेसोपोटामिया पढ़ लिया है, आज हम इंडिया पढ़ेंगे। तो किसी को आइडिया है कि हमारी इंडस, मैंने बताई दिया हमारी जो है एंशियंट सिविलाइजेशन क्या है इंडिया की, नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, वेरी गुड। अब हम स्लाइड शेयर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। Can you see that slide? Okay. So, Indus Valley Civilization हमारी इंडिया की जो सबसे एंशियंट सिविलाइजेशन मानी जाती है वो है, ठीक है। इसको आप लोग खुद ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं से आपके क्वेश्चंस इसमें भी बनेंगे और आर्किटेक्चर वाला पेपर जो आर्ट आर्किटेक्चर वाला है उसमें भी बनेंगे, दोनों में बनेंगे। हमारी ये सिविलाइजेशन जो बहुत रिच सिविलाइजेशन थी, तो अभी तक हम लोग जो पीछे देखते आए हैं प्री हिस्ट्री टू प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हमें क्या मिला था, पहले हम लोगों ने क्या नाम है स्टोन एज देखा, स्टोन एज के बाद हम उस पे आए कॉपर पे आए, कॉपर के बाद हम ब्रॉन्ज पे आए, ब्रॉन्ज के बाद हम आयरन पे आए, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना, रिस्पॉन्स करते रहो हम थोड़ा, आज थोड़ा हमें जल्दी है इसलिए रिस्पॉन्स करते रहोगे तो लगेगा कि हाँ सुन रहे हो। तो हम लोग कॉपर सबसे पहले हमारा था, ये सीक्वेंस याद कर लेना ताकि ये तुम्हें आगे कॉम्पिटिशन में भी काम आएगा और अभी भी काम आएगा, कि हमने सबसे पहले स्टोन एज देखा, फिर कॉपर एज देखा, फिर ब्रॉन्ज एज देखा और उसके बाद आयरन एज देखा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसको हम कॉपर एज में, अरे कॉपर कह रहे सॉरी ब्रॉन्ज एज में बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग मतलब काफी अभी रिसेंटली नहीं कहेंगे 20th सेंचुरी में हम लोग यही मानते थे कि सिकंदर के आक्रमण के समय जो है मतलब सिकंदर ने जब आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, तब तक भारत में कोई सभ्यता नहीं थी क्योंकि हमें कोई ऐसा एविडेंस मिला ही नहीं था। हम यहाँ पे तुमको भी समझा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तब तक भारत में हम लोगों को कुछ ऐसा एविडेंस नहीं मिला था। लेकिन दो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे दयाराम सहानी और राखन दास बनर्जी ने, ठीक है, ये लोग सबसे पहले हड़प्पा मांड पंजाब, जो पंजाब के मांड गोमारी जिले में है, ठीक है। अभी मैं आगे इसका सब चार्ट दी हूँ ताकि तुम लोग ये देखो, सीधा स्लाइड दिख रहा है ना? यस मैम। हाँ, तो मैंने यहाँ पे दे दिया है साइट एक्सकेटेड बाय लोकेशन एंड इम्पोर्टेंट फाइंडिंग, बस इसमें ही तुम्हारा डिटेल हो जाएगा। जब हम जो यहाँ बता रहे हैं वो मैंने यहाँ पे दो तीन स्लाइड में पूरा एक साथ कर दिया है ताकि तुम लोगों को आसानी रहे, ठीक है। हाँ, तो ये और मोहनजोदड़ो कहाँ मिला, हड़प्पा में जो मिला वो पंजाब के मांड गोमारी में मिला, मांड गोमारी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहां मिला। और हड़प्पा में सिंध के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में मिला। तो यहाँ से जो हमें हमारी एंशियंट चीजें प्राप्त हुई उसने ये सिद्ध कर दिया, उसने ये मतलब बता दिया कि ये सब ये दोनों की दूरी जो हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की दूरी है उस लगभग अप्रोक्सीमेटली है 640 किलोमीटर 640 किलोमीटर
दूर के लिए दूर में ही ये दोनों नगर बसे हुए हैं, लेकिन जो चीजें भी उसे देखने से ये समझ में आता है कि ये एक ही सभ्यता एक ही सिविलाइजेशन के सेंटर रहे होंगे। ये क्लियर हो गया ना? हम यहाँ पे तुम लोग को समझाए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की दूरी बहुत ज्यादा थी, लगभग 640, बट दोनों देखने के बाद ये समझ में आता है कि ये एक ही सिविलाइजेशन का सेंटर होगा, केंद्र होगा। ठीक है, अब हमारे एक आर्कियोलॉजिस्ट की टिकट टिकट ने जो है अपने उसने कहा है कि ये एक जगह उनका वक्तव्य आता है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जो है जुड़वा राजधानियां हैं। ठीक है, अब सहानी और बैनर्जी भी मैंने बताया ना, सबसे पहले दयाराम सहानी और राखलदास बैनर्जी ने वो किया था एक्सीवेटेड, तो इसके बाद फिर यहाँ पे सरजान मौशल आए, ठीक है, माधव स्वरूप वत्स आए, इन लोगों ने भी आके एक्सीबिशन किया। उन लोगों के बाद इन लोगों को भी वहां से बहुत इम्पोर्टेंट चीजें मिली। ठीक है, और इसके बाद जो है और भी विद्वानों के और भी आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे आए, जैसे जस्ट वन मिनट प्लीज। अच्छा अच्छा, बस मैं बताना था 20 प्रिंट आउट मैंने ले लिया है। ठीक है, नहीं 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 तो याद है। ठीक है, हाँ तो मैं क्या बता रही थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, अभी किसी ने बताया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट बताया था। द अर्लिएस्ट नोन एज अर्बन कल्चर ऑफ द इंडियन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसका जो एज वो करते हैं, निर्धारण करते हैं, वो 25, जगह जगह तुमको अलग अलग मिलेगा, 2550 से 1750, 1750 ऐसे 3000 से 1700, बट ज्यादातर जो हमारे विद्वान हैं वो 2500 से 1700 BCE के अंदर मानते हैं। ठीक है, एंड द फर्स्ट द वर्ल्ड थ्री अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन द अदर टू आर दोज ऑफ मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। The Indus civilization was most extensive. तो ये हमने बताया था, ये सब पैरेलल चल रहे हैं, जो हम लोग चार पढ़ेंगे इसके बाद चाइना पढ़ेंगे, तो ये चाइना सबसे लेटर है जिसे कहेंगे। और अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, तो अभी हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तुम लोगों को एज बता दिया, एज अप्रोक्सीमेट ही है, ये कोई एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेट ही लिखना दूंगा। अब हमें यहाँ पे ये जो जैसे हर सिविलाइजेशन हम लोग को किसी न किसी रिवर के किनारे मिली है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो ये इंडस मतलब जो नदी थी सिंधु नदी थी, इसीलिए सिंधु गंगा घाटी सभ्यता का आ गया, उसके किनारे मिली। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सिंध और पंजाब के प्रांतों में सैंडल सभ्यता के कई स्थल कई साइट्स मिले। ठीक है, और साउथ में और टिपिकल नाम है जो तुम लोग को याद करना पड़ेगा, जो मैंने चार्ट में दिया है। ठीक है, तो ये हम तुम लोग को बता रहे हैं कि फिर साउथ की बात करते हैं हम लोग, तो साउथ में बलूचिस्तान में सिद्धता गेंडो तथा बालापुर, ये तीन साइट्स जो है बहुत फेमस है। अच्छा, अब इंडिया की बात करते हैं तो हम लोग पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश, इन जगहों से बहुत सारे साइट्स मतलब एक एक जगह से कई कई साइट्स एक एक
मतलब स्टेट से कई कई साइड से लोगों को मिले हैं, ये भी हमें पता चलता है। अब इसकी डिटेलिंग मैंने आगे दी है, इसलिए अभी मैं वहां पे आ रही हूँ। अब हमें यहाँ पे बताना है कि जम्मू कश्मीर में जो मिला है वो चिनाब नदी के, चिनाब तुमने तो पता ही है कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी है, चिनाब रिवर है, चिनाब रिवर के किनारे मिला है जो मांडा। ये तुमने को याद रखना है कि हम लोगों को एक डायग्राम बना लेना एक तरह से कहा जाए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बनाएंगे कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वो क्या है, तो मांडा, ठीक है, मांडा में मिला है, जम्मू कश्मीर के मांडा में। और उत्तर प्रदेश यूपी में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में मिला है। अच्छा, अभी जो ये हाल में नहीं कहेंगे, इसे 2002-2003 के आसपास एक एक्सिबिशन हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको सुनना ध्यान से। वो गुजरात के पास लगभग 30 किलोमीटर दूर एक खंभात की खाड़ी है, वहां पे जो हमारी टीम थी NIOT मतलब राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, यहाँ के लोग गए थे। वहां के समुद्र जो समुद्र का पानी था उसके जल प्रदूषण की जांच करने कि यहाँ पे कितना जल में प्रदूषण है, ठीक है। अब वो जल प्रदूषण की जांच के दौरान उन्हें वहां पर 40 मीटर नीचे दबा हुआ एक मतलब एक पूरा सिविलाइजेशन ही मिल गया, एक नगरीय सभ्यता ही दिख गई उन्हें वहां पे। अब वहां पे आश्चर्य हुआ उन लोगों को कि यहाँ पे इतनी मतलब सिस्टमेटिक चीज कैसे है, यहाँ पे इन्होंने जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखी, जैसे यहाँ पे इन्होंने 2245 मीटर का एक रेक्टेंगल चबूतरा देखा। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब तुम लोग पढ़ोगे आगे, अभी मैं बताऊंगी कि मेन मेन चीजें क्या मिली है, तो हड़प्पा में अन्नागार मिला है जहां पे अन्न इकट्ठा किया जाता है, वही सेम चीज यहाँ पे जहां मैं बता रही हूँ कि NIOT ने एक्सिबिशन किया था। एक्सिबिशन बाद में हुआ, सबसे पहले इन्होंने मतलब जल की जांच कर रहे थे, तो उसमें ये पाए, फिर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट पहुंच गए वहां पे, तो उन्होंने देखा, तो वहां पे हमें रेक्टेंगल चबूतरा मिला, हमें वहां पे मतलब 183 मीटर लंबा अन्नागार जहां पे अन्न की कचा करते थे ये भी मिला, और एकदम सेम जो हमें हड़प्पन में मिला वही सेम यहाँ पे हम बन रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे सेम वहां की तरह नालियां मतलब ड्रेनेज सिस्टम पूरा जो था वो पूरा एज इट इज जो हमें वहां मिला डेवलप्ड, जैसे डेवलप्ड वे में वहां पे था वैसे ही यहाँ मिला। ये हम अभी तुम्हें रिसेंट एक्सप्लेनेशन की बात बता रहे हैं। अब यहाँ पे मिट्टी की सड़कें मिली और यहाँ भी एक दूसरे को जैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तुम लोग याद रखना कि ये चूंकि अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है, नगरीय सभ्यता कही जाती है, तो यहाँ पे जैसे अभी उनकी रोड है ना वो एक दूसरे को पैरलर उसपे क्या कहेंगे चौराहा जो हम लोग को देख रहे हो एकदम चौराहे से सीधे एक रोड जा रही है संपूर्ण पे एक दूसरे के पैरेलल जो काटती है। ये हमारी 21वीं सदी का ही नहीं खोज है, ये हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिला है कि संपूर्ण पे काटती हुई एकदम वैसे ही रोड मिली। हमारे यहाँ आज जो ड्रेनेज सिस्टम है उससे बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन में है। अच्छा, यहाँ पे भी सेम वैसे ही मतलब बहुत सुंदर तराशे हुए औजार मिले, ज्वेलरीज मिली, ठीक है, और बहुत सारी आकृतियां बनी हुई मतलब स्कल्पचर्स बने हुए मिले। तो ये हमारी मतलब इन सब चीज से पता चला कि अच्छा ये गुजरात में उसके नीचे समुद्र के नीचे भी जो है वो है, तो अभी इसको अभी भी ये जारी है कि इसके पैरलर इसको हम क्या करते हैं, अभी भी बहुत सारे विद्वान जाते हैं और उसको जो है
वो करते हैं मतलब इसके पैरेलल। तो इन मुझे सब देखने के बाद ये लोग ले जाते हैं इसको 1900 इसका प्रूव होता है। इतना क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि इसकी जो है मतलब हम लोग इसका ओरिजिन कैसे मानते हैं, ओरिजिन पे आते हैं। और किसी भी चीज का ओरिजिन जानना कि हम यहाँ अभी आना है, किसी भी चीज का ओरिजिन जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी और इतनी विस्तृत सभ्यता जो है होने के बाद भी इसके जो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में बहुत मतभेद है। जितने आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जितने स्कॉलर्स हैं, सबने आपस में बहुत मतभेद है, कोई भी एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक की खोज जो है मतलब जितनी खोजी हुई है कोई ऐसा प्रकाश नहीं पड़ पाया कि जैसे लगे कि मतलब हाँ यही चीज है एग्जैक्टली। लेकिन हम लोगों के लिए जानना तो होगा ही कि किसने क्या कहा और कहा हम जो है ये चीज मानते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड, मार्टिन व्हीलर, ये बहुत मतलब रिनाउंड आर्कियोलॉजिस्ट हैं। इनका मानना था कि इंडस सिविलाइजेशन का ओरिजिन जो है मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता से हुआ। अच्छा, क्यों मानना था इन्होंने इसको, क्यों ये कहा कि मेसोपोटामिया की सुमेरियन सिविलाइजेशन से इसका उद्भव हुआ? क्योंकि इनको यहाँ पे बहुत सारी चीजें इक्वल दिखी, जैसे दोनों ही अर्बन सिविलाइजेशन है, दोनों ही नगरीय सभ्यता है। ठीक है, दोनों के दोनों जगह के ये जो रहने वाले लोग थे वो ब्रॉन्ज के साथ साथ कॉपर एंड स्टोन, ये तीनों चीज का यूज अपने जो है उसमें कर रहे थे सिविलाइजेशन में। तो ये भी समानता मिली, दोनों अर्बन सिविलाइजेशन जैसी समानता मिली और दोनों जो है ये तीनों चीज का एकदम इक्वली जितना वहां इसका यूज हो रहा था उतना ही इसका भी यहाँ यूज हो रहा था। अच्छा, दोनों ही जगह के जो भवन बने हैं वो कच्ची तथा पक्की, ठीक है, दोनों ईंटों के बने हैं, दोनों जगह के मतलब मेसोपोटामिया के और इंडिया के। अब तुम मिट्टी के बर्तन बनते हुए जानते हो कि मिट्टी के बर्तन किस पे बनते हैं? या दिया बनते हुए किसी ने देखा है? हाँ, वेरी गुड, वही सोच रहे थे हम, चाक बोल रही और तुम लोग को पता ही ना हो इसीलिए मैंने सोचा पूछे। तो दोनों ही जगह के लोग चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते हुए भी बनाते थे, ऐसा भी मिला। अच्छा, हमने बहुत ही सुमेरियन लिखने पड़े थे ना, सुमेरियन सिविलाइजेशन में, यहाँ पे भी हमें क्या नाम है मिट्टी का ज्ञान था। तो बट यहाँ की पढ़ी नहीं जा सकी है, ये तो तुम लोग जानते हो, यहाँ की पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है यहाँ की, लेकिन वहां की पढ़ ली गई है। अब कितनी सारी जो है समानताएं थी उस आधार पे जो मैंने पीछे बताया कि सर जॉन मार्शल, गार्डन चाइल्ड एंड मार्टिना व्हीलर तीनों लोगों ने इसको इसकी उत्पत्ति जो है मेसोपोटामिया की सुमेरिया सभ्यता से बताई। लेकिन ये भी एक बहुत मतलब क्या कहेंगे गहराई से विचार करने का वो है कि दोनों सभ्यताओं में समानताएं होते हुए भी मतलब अंतर भी दिखा हमें, विषमताएं भी दिखी। अगर समानता भी दिखी तो विषमताएं भी दिखी, कारण कि दोनों सभ्यताओं में नगर योजना, जैसे दोनों सभ्यताओं की जो नगर योजना थी वो सुमेरियन सभ्यता की जो होती नगर योजना अर्बन सिविलाइजेशन वो हमारे यहाँ से कम डेवलप थी, मतलब हमारी ज्यादा डेवलप थी। तो एक ये चीज मिली, इस चीज पे हम लोग नहीं जा सकते सिर्फ कि दोनों जगह ये चीजें मिली,
हमें ये भी देखना रहता है कि दोनों जगह में जो है क्या अंतर, ये भी देखना रहता है। तो अगर एक वर्ग विद्वान का ये कह रहा है तो दूसरा वर्ग भी हर जगह कोई लंबी विषय हो या कोई विषय हो आलोचक जरूर होते हैं। तो वैसे हमारे यहाँ भी इसको अध्ययन करके हमारे आर्कियोलॉजिस्ट एक आर्कियोलॉजिस्ट की बात को घाट देते हैं। तो उन्होंने हमारे जो यहाँ भी आर्कियोलॉजिस्ट आए उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं वहां का जो अर्बन सिविलाइजेशन था वो हमारे यहाँ से बहुत ही कम डेवलप था। हमारे यहाँ बहुत ही सिस्टमैटिक जो है ये नगर योजना थी। अच्छा, अब हमने बताया था कि दोनों जगह के बर्तन, तो दोनों जगह के बर्तन उपकरण मूर्तियां और जो हमारे वो क्या नाम है कॉइन ये सब भी मिले हैं उनके मतलब जो उनके आकार प्रकार है इन द सेंस जो बनावट है इसमें भी पूरा अंतर मिला हमें। मान लो हमारे यहाँ की क्या नाम है स्क्वायर में ट्रायंगल तो नहीं मिली है, वो सर्कल में रेक्टेंगल में वहां पे मान लो कि ट्रायंगल में इस तरह से दोनों जगह में ये चीज का अंतर है कि हमारे यहाँ बनावट कुछ थी वहां की बनावट कुछ थी। तो हम इस चीज पे भी जो है इस मत का भी यहाँ पे खंडन किए। ठीक है, अब हमने बताया कि दोनों जगह में लिपि का ज्ञान था, दोनों जगह के लोगों को लिखने का ज्ञान था, लेकिन यहाँ पे भी एक चीज हमें मिली कि सुमेरियन जो है इंस्क्रिप्शन में 900 अक्षर थे, इंडस लिपि में 400 अक्षर थे। तो यहाँ पे एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जा रहा है कि उनके यहाँ 900 थे हमारे यहाँ 400 अक्षर थे। तो इस अंतर को भी देखते हुए हम लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये हम हमारे यहाँ मतलब हम उनकी देन नहीं है, मतलब सुमेरियन सभ्यता की देन नहीं है। हम लोग जो है अपने प्राक मतलब प्री हड़प्पन की ही देन है। ये चीज का ज्ञान हमारे प्री हड़प्पन में भी था, जो हम लोग प्री हड़प्पन इन द सेंस प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री वाली बात में बता रही हूँ, वहां पे भी था। ठीक है, अब जो है हम लोग के जो यहाँ विद्वान ने कहा कि नहीं नहीं हम लोगों की जो सिविलाइजेशन है वो भारत भूमि से ही जुड़ी हुई है, इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि हम बाहर से आए या हमें बाहर से हमें संस्कृति का ज्ञान हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और वर्ग आता है उनका, ये समझना बहुत जरूरी है, इसलिए जहां भी तुम लोग को थोड़ा सा लगे रोक देना कि नाम जो है अब नहीं समझ आई। अब यहाँ पे एक और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट एंड स्कॉलर्स का वर्ग आता है जिसमें टी एन रामचंद्रन, के एन शास्त्री एंड एस आर राव, ये लोग कहते हैं कि वैदिक आर्य को ही इस सभ्यता का निर्माता मानना चाहिए, जो हमारे वैदिक आर्यंस थे उनको ही इस सभ्यता का निर्माता मानना चाहिए। अब यहाँ पे भी और विद्वानों ने इनका खंडन कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनके अनुसार दोनों ही सभ्यताओं में जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारी रिलीजन है, जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है वो बिल्कुल ही अलग है, मतलब वैदिक आर्यन एंड इंडस सिविलाइजेशन दोनों की ये सारी चीजें बिल्कुल ही अलग है। जैसे वैदिक आर्य जो थे वो गांव से बिलोंग करते थे, ग्रामीण थे और कृषि प्रधान थे, जबकि सैंधव सभ्यता जो थी इंडस सिविलाइजेशन जो थी उसमें तुमने देखा है अर्बन सिविलाइजेशन एकदम सिस्टमैटिक, अभी मैं बताई कई जगह बताई ये चीज। और यहाँ पे हमें जो है मिला है वस्तुओं का आदान प्रदान भी, मतलब व्यापार व्यवसाय ये भी इनको ज्ञान था हमारे इंडस सिविलाइजेशन में, बट यहाँ पे इनकी ग्रामीण थी। ठीक है, और कृषि प्रधान थी। आर्यों के मकान जो है वैदिक आर्यों के मकान घास फूस और बांस की सहायता से बने हैं,
बैंगलोर की सहायता से बने हैं, लेकिन इंडस के लोगों का जो है मकान कहीं पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है, कहीं कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। क्लियर हो गया इतना ना? यस मैम। ओके बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंडस सिविलाइजेशन के जो निर्माता है वो स्टोन ब्रॉन्ज के जो है बने उपकरणों का प्रयोग करते हैं और वो लोहे से परिचित नहीं थे। इसके जो है मतलब अपोजिट बात करते हैं वैदिक आर्यों की, तो यहाँ पे इन लोगों को पूरी तरह से आयरन का ज्ञान हो चुका था। अब हमने बताया ना कि उनकी हर चीजों में अंतर है। अगर विद्वान का एक वर्ग ये कहा कि आर्य ही हमारे हैं, लेकिन यहाँ पे उन चीजों में हमें अंतर दिख गया, लेकिन स्पष्ट अंतर दिख रहा है। अब यहाँ पे रिलीजन पे अंतर दिखाते हैं तुम लोग। जैसे वैदिक आर्य इंद्र वरुण आदि देवता जो थे उनके पूजक थे, उपासक थे, वो यज्ञ करते थे, तथा लिंग पूजा और मूर्ति पूजा के विरोधी थे ये लोग। इसके अपोजिट इंडस सिविलाइजेशन के लोग मुख्य रूप से मातृ देवी या माता देवी तथा शिव के पूजक थे। ठीक है, ये लोग यहाँ से हमें लिंग पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं और यहाँ से हमें मूर्ति पूजा के भी प्रमाण मिलते हैं दोनों। ये तुम लोग उसमें पढ़े हो गया आर्ट वाले पेपर में, दोनों प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, इसी से हम लोग जाने की ये शिव पूजा क्या, अभी खैर हम आगे उसको भी तुम लोग को रिवाइज करते हुए डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, अब जो आर्यों का जो क्या कहेंगे प्रिय पशु घोड़ा अश्व था, ठीक, और था जिसकी सहायता से वो युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। ठीक, लेकिन इसी के अपोजिट इंडस सिविलाइजेशन लोग मतलब अश्व से परिचित थे, लेकिन अश्व का हमको कहीं भी मिली है वो क्या नाम है एक्सीबिशन में मिली है, बट तो मतलब एक प्रमुख रूप से जो कहा जाए वो चीज नहीं आई है। अब जो हमारे आर्यंस थे, आर्यंस के जो रिलीजियस था मतलब सबसे अधिक महत्ता बोलो महत्व जो कहेंगे वो काऊ को देते थे, गाय को देते थे, और गाय को यहाँ पे इन लोगों ने अगन्या कहा है। तो अगन्या मीन्स होता है कि इनको नहीं मारा जा सकता। ठीक है, इसके अपोजिट इंडस पहली सिविलाइजेशन के लोग बैल की पूजा करते थे, वृषभ की पूजा करते थे, और वो उन्हें ही पवित्र और पूज्य मानते थे। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अपनी, अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अपनी लिपि थी। ठीक है, जबकि आर्य लिपि से परिचित नहीं थी। ठीक, उनकी जो एजुकेशन सिस्टम था वो क्या कहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक था, मौखिक था। मतलब जैसे मैं तुमको बता रही हूँ कि ये चीज थी, ठीक है, अब इसको तुमने मुद्दा नहीं किया लेकिन तुम तक ट्रांसफर हो गया कि हमने बताया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्यों नहीं हम उसके आर्यन से जोड़ सकते हैं कि वो आर्यन के रूप है, तो इसमें ये डिफरेंसेस है। तो ये मेरे द्वारा तुम लोगों तक इस चीज का ज्ञान गया। अब तुम लोग भी किसी को बताओगे कि अरे ऐसा है था, हम लोग यार यहाँ के ये नहीं थे, हम लोग कोई भी कहते कि सुमेरियन से होते तो हमारी यहाँ पे तुम आर्ग्यू करने लायक हो गए हो कि हमारी जो है तो कुछ तो नहीं मैच करती है, तो कहते हैं लेकिन हम लोग ज्यादा डेवलप्ड हैं उन लोगों से। तो ये सारी चीजें आप एकदम उससे कह सकते हैं। तो इसी को मौखिक प्रणाली या पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होना ये कहेंगे। ये कहीं भी रिटन नहीं थी सबके लोगों की चीजें। आज मैं बस करूं, मेरा टाइम ओवर हो रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और बता के फिर मैं करती हूँ। अब सिंध
सभ्यता जो है हमारी मतलब ये बहुत ही क्या कहेंगे कच्ची बात है कि इंडस वैली मतलब ये अनसाक्षर थी तथा वैदिक सभ्यता ग्रामीण और निरक्षर थी। जैसे कि जीसी पांडे ने बताया है भी उन्होंने ही वैदिक संस्कृति नामक एक बुक पब्लिश की है जिसमें उन्होंने अपने इस बात का मतलब जिक्र किया है कि जो ऋग संगीता मतलब ऋग संगीता थी उसमें कम से कम 85 बार जब मैं पढ़ूंगी ना तो मैं वैदिक मतलब इसके बाद वैदिक कल्चर भी आएगा तो इसमें भी मैं इसमें भी ये बताना पड़ेगा तुम लोग को 85 बार पुर का पुर का उल्लेख हुआ है ठीक है। और ग्राम ग्राम मतलब ग्रामीण ग्राम शब्द का ग्राम का लगभग 9 बार ठीक है और ग्राम्य का 1 बार उल्लेख होता है। तो ना तो हड़प्पा सभ्यता नागरिक थी और ना ही वैदिक सभ्यता मतलब ग्रामीण थी तो दोनों ही सभ्यताएं और दोनों ही का जो एज है देश का उसमें विस्तार और प्राविधिक विकास की जो है दृष्टि से समानता समान लग रही है ठीक है। वेदों में लेखन परंपरा जो थी मतलब लिखित जो बता रहे हैं उसका अभाव का कारण ये नहीं था कि आर्य जो है लिपि से अपरिचित थे। अभी मैंने उसको थोड़ी देर पहले तुमने तो ये समझाया था ये मतलब हमें वेद देखने के बाद पता चलता है कि इसका जो है ये कितना विस्तृत है इसका जो व्याकरण है इसकी जो भाषा है तो ये माना ही नहीं जा सकता ये मतलब इसकी सोचो कि जो उनके वेद थे वेद में ये चीजें लिखी थी भले वो ट्रांसफर होके बाद में लिखी गई मतलब आपने तुमसे ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर किया ठीक है। लेकिन अगर हमें भाषा का ही ज्ञान नहीं था लिपि का ही ज्ञान नहीं था तो इतनी अच्छी भाषा इतना अच्छा व्याकरण इतने अच्छे गद्य कैसे नहीं थे मतलब कैसे है तो ये तो हमें संभव नहीं लगता है कि इन लोगों की लिपि का ज्ञान लेगा। हालांकि हम इसीलिए वैदिक समाज को निरक्षर समाज नहीं कह सकते क्योंकि जब उनके यहाँ इतनी रिच चीजें मौजूद थी हम कैसे कह सकते हैं। तो वो चीजें अब जैसे वो एविडेंस के आधार पर हमें तो ऐसा अभी कोई वो नहीं मिला लिपि का अभाव ही मिला उनमें लेकिन फिर भी हम ये नहीं मान सकते ये मतलब सर्वसम्मत मत है जो कहेंगे कि हम ये नहीं मान सकते क्योंकि हमारे वेद हैं आज भी हम लोग उन वेदों को पढ़ते हैं लिखा बाद में गया वो अलग बात है लेकिन मैंने कहा ना कि वो मौखिक प्रणाली से आगे बढ़ा तो बिना भाषा बिना लिपि लिपि तो एक बार हम मान सकते हैं लेकिन इसकी जो भाषा व्याकरण ये सारी चीजें हैं वो सारी चीजें बताती हैं कि इन लोगों को जरूर ज्ञान रहा होगा। अब खाली हमें वैदिक इससे वैदिक कल्चर से ये नहीं कह सकते कि यहीं पे यज्ञ होता था हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से काली बंगा लोथल जैसे जगह में यज्ञ वेदियां मतलब समझ रहे हो जिसमें मतलब हवन किया जाता है यज्ञ वेदियां उसकी जो है जानकारी मिलती है उसके साक्ष्य मिलते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बात है कि हम लोग के यहाँ भी यज्ञ होता था उनके यहाँ भी यज्ञ होता ठीक है। अब जहां हम तुम लोगों को घोड़े की बात बता रहे थे पीछे यहाँ पे मोहनजोदड़ो में नहीं लोथल में सॉरी मोहनजोदड़ो नहीं लोथल में घोड़े की जो है 3 मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां मिली और एक जगह मैंने बताई थी सुद पोदड़ा में घोड़े की हड्डियां पाई गई हैं और लोथल में घोड़े का अपर मोलर जो ऊपरी चौगड़ होता है अपर मोलर वो पाया गया है। तो ये सभी चीजें ये सभी बातें मतलब सिद्ध करती हैं कि जो वैदिक साहित्य में जो भौतिक सभ्यता मिली है वही सिंधु में भी। अच्छा
इन दिस वैली सिविलाइजेशन की एक्सिबिशन में हमें जो है बहुत सारी जातियों के स्केलेटन मिले हैं, जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, मंगोलियन, अल्पाइन, इन सबके मिले हैं। तो ये भी नहीं हम कह सकते, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये लोग द्रविड़ भाषी थे, लेकिन विद्वान का नाम तो मुझे याद नहीं रहेगा, इतना हम बताते जा रहे हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैंने बताया है कि तुम लोगों को पीडीएफ जरूर हम सेंड करेंगे, अभी नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, लेकिन करेंगे। फिर ये लेकिन हम द्रविड़ भी नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत जगह हमें अगर यहाँ पे जो चीजें मिली इंडस में वो द्रविड़ क्षेत्र में नहीं मिली, तो इसीलिए द्रविड़ क्षेत्र की जो भाषा थी ब्राह्मी भाषा, वो भाषा भी नहीं मिली यहाँ पे, तो इस आधार पे हम ये भी खंडन कर देते हैं, इसका भी जो है वो हो जाता है। अब हम ये कहते हैं कि मतलब हमें कोई निश्चित क्या कहेंगे एक्यूरेट वो नहीं मिला कि हम क्या माने, तो इसके ओरिजिन में ऐसे ही है कि मतलब या उन्होंने ये कहा तो अगले विद्वान ने ये कहा, ठीक है। अब जैसे डी जी, कालीबंगा, कानाबली, इन सब जगहों से हमें इसके पूरे अर्बन सिविलाइजेशन के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ही सुव्यवस्थित जैसे कहेंगे, जैसे कि आजकल हम लोग सोसाइटी बनती है जो कहेंगे, एक और क्या कहते हैं जो बहुत प्लांट वे में नहीं बनता है, कॉलोनी, प्लांट वे में कॉलोनी, टाउनशिप, टाउनशिप, हाँ हाँ, प्लांट वे में, तो इस तरह का ही जो जगह मैंने बताई कालीबंगा, पनावली, हड़प्पा, कोटी जी, यहाँ से एकदम वेल प्लांड नगर नियोजन मिला, जिसमें ज्यादातर मकान जो थे वो नॉर्थ एंड साउथ दिशा में निर्मित थे, ठीक है। अब जो जैसे कोई कॉलोनी में जाते हो, कई कॉलोनी अभी भी मतलब कबर्ड होती है, एक गार्ड बैठाया जाता है, वैसे ही इनकी भी कॉलोनी कहेंगे, मतलब इनका भी जो बस्ती था वो दुर्गीकरण था, मतलब वैसे ही दीवार बनाई गई थी, उस दीवार के अंदर ही बसे हुए नगर थे, ठीक है। अब ये लोग मतलब एकदम सीधे वही जो मैं बता रही हूँ प्लांड वे में, प्लांड जैसे एक ही दिशा में खुलता हुआ घर बनाते थे। अच्छा, यहाँ के एक्सिबिशन से हमें एक पत्थर का जो नापने वाला होता है किलो वगैरह का, बटकरा बोलते हैं ना, वो भी मिला है। इन सामग्रियों के मिल जाने के बाद जो है सैंधु सभ्यता, हमारी इंडस सिविलाइजेशन, तो ये तो 100% श्योर हो जाओ कि किसी मतलब के ऊपर कोई फॉरेन इम्पैक्ट नहीं है, हम नहीं मानते हमारे ऊपर फॉरेन इम्पैक्ट है, हम ये मानते हैं ये सारी चीजें जो हमें मिली हैं उस आधार पे हमें स्पष्ट हो जाता है कि इस सभ्यता का जड़ जो है भारतीय उपमहाद्वीप था, ठीक है। तो ये चीज मतलब ये ओरिजिन में यहाँ तक वो कर रही हूँ, कल मैं इस स्लाइड पे आऊंगी, ठीक है, क्योंकि आज मैंने बताया भी था कि मैं 45 तक ही क्लास लूंगी, और कल का टाइम बेटा मैं बता दूंगी आलोक सर को, और ओके मैम, आलोक जी है क्या? बिल्कुल है मैम, कहाँ छोड़ के जाएंगे तो मैं स्विच कर रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है, ठीक है, ओके, बाय बच्चों।